पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है फिज़िक्स में इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है जिसे कि हम लोग मुख्तलिफ सेल्स की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या डिफरेंट सेल की ईएमएफ जो है हमें कंपैरिजन करना हो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी हो या किसी सर्किट के अंदर लो रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना हो, लो रेजिस्टेंस के बारे में मालूम करना हो, तो वहाँ पर हम जो है पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी तरीके से जैसे हमारे पास रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन होती है। हमें मालूम है कि रियोस्टेट में भी दो टर्मिनल हैं जो कि फिक्स हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी दो टर्मिनल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और इनके दरमियान ये वायर है। इस वायर की जो लेंथ है वो तकरीबन 400 सेंटीमीटर्स है या इसकी लेंथ जो है 4 मीटर्स है। यहाँ पर दो टर्मिनल फिक्स होते हैं और इन दो टर्मिनल फिक्स के साथ यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, जिसकी ईएमएफ हमें मालूम होती है कि कितने वोल्ट की है। लेट्स से कि यहाँ पर ये 6 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है जिसे हम इस केस में पोटेंशियोमीटर के केस में जोकी कहते हैं। ये इस पॉइंट पी पर है। इस साइड पे गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पर वो बैटरी होती है जिसकी जिसकी ईएमएफ जो है हमें फाइंड आउट करनी होती है, इसे ईएक्स कह देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की। अब जैसे कि हमें मालूम है कि रियोस्टेट में हमने कहा था कि जो इस पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है इस स्मॉल रेजिस्टेंस आर पे। जितना ये फासला इंक्रीज होता चला जाएगा आर के लिए, उतना ही वोल्टेज अक्रॉस ए और सी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जिस तरीके से आर स्मॉल आर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरीके से ई और सी के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। और ये जो पूरी चुकी वायर है ना यहाँ पर, तो अभी जो कि जो है सिर्फ इस पॉइंट पर है, इसलिए हम लोग ए और सी के दरमियान बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ए और बी भी तो एक वायर है ना, तो इस पूरी वायर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे पी को थोड़ी देर हटा देना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल मालूम करना हो तो वो पोटेंशियल डिपेंड करेगा इस कैपिटल आर पे। जितना ज़्यादा ये कैपिटल आर होगा उतना ही ए और बी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल होगा। अब जितना पोटेंशियल इस स्मॉल आर के अक्रॉस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस स्मॉल आर के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस स्मॉल ए जो बैटरी है ई एक्स जिसकी ई एम एफ हमें मालूम करनी है इसके अक्रॉस होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एक्स जो है वो बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल आर, तो ये जो स्मॉल आर है इसके अक्रॉस तो आई इंटू स्मॉल आर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये बराबर है ई एक्स के। ई एक्स मुझे फाइंड आउट करना है तो क्यों ना मैं ये वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल करूँ कि मुझे यहाँ पर तो मालूम है कि बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर इसकी ई एम एफ है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो करंट इस साइड पर इस सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो करंट इस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, इस स्मॉल रेजिस्टेंस से इस वक्त गुजर रहा है, किसी में आई आर कह सकती हूँ। और अगर मैं ये वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल करूँ अकॉर्डिंग टू ओम लॉ तो ये ई इज इक्वल्स टू आई आर का रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर अब मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, आई की वैल्यू मैं इसे कैलकुलेट करना चाह रही हूँ ताकि आई को मैं यहाँ पर पुट करूँ और मेरे पास जो है वो ई एक्स के लिए कोई जो है वो रिलेशनशिप निकल आए। आई मुझे मालूम है कि ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर आ जाएगा। अगर मैं उसे इस चीज़ में, इस इक्वेशन ए में पुट करूँ इस चीज़ को, आई की वैल्यू को, तो मेरे पास जो ई एक्स है अननोन बैटरी की जो ई एम एफ है बराबर आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई आर इंटू स्मॉल आर। और अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज इस तरीके से कर लिया जाए कि मुझे मालूम है कि ई जो है ई एम एफ ऑफ द नॉन बैटरी, इसकी तो मुझे मालूम है ना, तो इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं और स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर को ज़रा इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। इससे ओवरऑल तो रिलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ज़रा डिसिप्लिन वे में उसको थोड़ा सा अलहदा कर लिया। इसे अलहदा इसलिए किया है कि हमें मालूम है कि ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है हमारे इस कैपिटल आर पे। और हमें मालूम है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक वायर है, बेसिकली ये एक वायर के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया और उस वायर की जो लेंथ है वो 400 सेंटीमीटर होती है। अब जितना यहाँ पर आर इंक्रीज करता चला जाएगा उसका मतलब है उतनी ही ये लेंथ इंक्रीज कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो वोल्टेज है अक्रॉस ए बी वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है कैपिटल आर से, और ये जो कैपिटल आर है ये डायरेक्टली रिलेटेड है एल के साथ। यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ कि जो वोल्टेज है मेरे पास ए बी, ये लेंथ की फॉर्म में इसे मैं कह देती हूँ लेंथ है, तो इसका मतलब है कि मेरा कैपिटल आर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एल वन से। जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही एल वन जो है ज़्यादा होगा, इस वायर की लेंथ जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना पोटेंशियल अक्रॉस ए सी ज़्यादा होगा उतना ही स्मॉल रेजिस्टेंस आर ज़्यादा होगी, और जितनी स्मॉल रेजिस्टेंस आर ज़्यादा होगी
मैं कह देती हूँ कि ई और सी के दरमियान जो लेंथ है उस वक्त वो एल टू है, तो उतना ही एल टू भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो कैपिटल आर है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली हटाऊँ तो कैपिटल आर जो है मेरे पास के इंटू एल वन आना चाहिए और स्मॉल आर जो है वो के इंटू एल टू आना चाहिए। अब अगर मैं इस चीज़ को इस इक्वेशन बी में पुट करूँ तो मेरे पास पुट करने से जो ई एक्स की वैल्यू आएगी वो ई इज इक्वल्स टू इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर है। आर की यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है के इंटू एल टू, यहाँ पर के इंटू एल टू और यहाँ पर के इंटू एल वन। अब के तो कॉन्स्टेंट है तो उसे मैं काट सकती हूँ, तो जो यहाँ पर ई एक्स आ जाता है ई एम एफ ऑफ द अननोन बैटरी वो इज इक्वल्स टू है ई इंटू एल टू डिवाइडेड बाई एल वन। इस तरीके से जब भी हमारे पास ई एक्स फाइंड आउट करना हो, यानी कि आपको आपकी कोई एक ऐसी बैटरी है, सेल के अंदर दो बैटरी लगी है, एक ई एम एफ आपको पता है और दूसरी की आपको मालूम करनी है, तो आप दी गई ई एम एफ जो बैटरी की ई एम एफ आपको मालूम है उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द रेशो ऑफ, ये जो है हमारे पास रेशो आती है एल टू वो वाली लेंथ है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और सी है। सी जो है वो पॉइंट जोकी है, जहाँ पर हमारी जोकी जो है वो स्टेबल होती है, जहाँ पर हम उसे रोकते हैं, जहाँ पर हम उसका पॉइंट रखते हैं वायर के ऊपर, उसके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करके वो लेंथ यहाँ पर लिख देंगे और ए और बी के दरमियान जितनी लेंथ है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। बेसिकली ये हम लोग जो ऑपरेटर्स है इस तरीके से सेट करते हैं लैब के अंदर कि ये हमारे पास जो है एक पोटेंशियोमीटर होता है, ये आप देख रहे होंगे, इसे मैं थोड़ा सा इन्हेंस करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ये ज़ीरो से लेके 100 तक जो है कि इस पॉइंट बी से लेके यहाँ तक रीडिंग होती है। उसके बाद ये जो आगे है वायर को दोबारा कर्व शेप में लेकर यहाँ पर इस पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाती है, दोबारा इस 200 सेंटीमीटर से इस पॉइंट पर जाते हुए 300 सेंटीमीटर हो जाती है, और इस 300 सेंटीमीटर से जब इस पॉइंट ए पर आते हैं तो यहाँ पर आकर हमारे पास 400 सेंटीमीटर जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो कम्प्लीट हो जाती है। अब इसके बाद होता ये है कि हम पॉइंट पी से अपनी ए की आई के वन को अटैच करते हैं, उसके बाद इसको हम बैटरी से लगा देते हैं जिसकी ईएमएफ हमें मालूम होती है, ये ईएमएफ जो है नॉन है जो हमें मालूम है, और यहाँ पर जो है एक बैटरी है ये हमारे पास जो है यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये वो बैटरी है जिसकी ईएमएफ जो हमें मालूम करनी है, इसे ईएक्स कह देते हैं। ये गैल्वानोमीटर है और ये वो पॉइंट सी है जिसे हम लोग जोकी कहते हैं, ये इस किस्म की जोकी बनी होती है और इसे हम इस पूरी वायर के ऊपर मूव कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक वायर को कनेक्ट करते हैं बी से, उसके साथ जो है एक की वन लगा देते हैं और उस की को जो हमारी बैटरी नॉन है उसके साथ लगा कर यहाँ पॉइंट ए से एक सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ये सर्किट कौन सा हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये सर्किट ये वाला है जिसे हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है, ये वाला ऊपर वाला सर्किट है जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इस फॉर्म में हम लोगों ने सर्किट वन को कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा सर्किट हम लोगों ने इस तरह से बनाया है कि दूसरे सर्किट में हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, ये हमारे पास की टू आ गई, इसे हम लोगों ने अपनी सेकंड वाली जो ईएमएफ मालूम करनी है जिस बैटरी की उसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी को हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर से भी अटैच कर देते हैं। सबसे पहले हम करते ये हैं कि हम अपनी इस की वन को जो है क्लोज कर देते हैं, की वन जो है हमारी क्लोज हो जाती है, ये दो की होती हैं की वन और की जो है की टू। सबसे पहले की वन को क्लोज करती हैं जिसकी वजह से हमारा ये वाला सर्किट जो है ये क्लोज्ड हो जाता है, ये वाला सर्किट क्लोज हो जाता है और सी को ओपन रखते हैं। हम ये करते हैं कि हम इस जोकी को इस पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट बी है हमारे पास और ये पॉइंट ए है, क्योंकि इधर से लेके इधर तक लेंथ है जो वो 400 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाती है, इसके दरमियान जो है हम अपने जोकी को मूव कराते हैं और इस तरीके से मूव कराते हैं कि हम वो वाला पॉइंट नोट करते हैं जहाँ पर हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है एग्जैक्ट ज़ीरो पर आ जाए, ये वाली पोजीशन जो है हम नोट डाउन करते हैं और जितनी लेंथ यहाँ पर हमें मिलती है ए से बी तक मूव कराते हुए सर्किट वन को क्लोज करते हुए जितनी हमें लेंथ मिलती है उस लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमारे पास ज़ीरो आता है हमारे पास जो लेंथ आ जाती है वो एल लेंथ आ जाती है, और चूँकि ए और बी के दरमियान मूव कराया और सर्किट की इस सर्किट की हम लोगों ने मालूम की है तो ये जो है हमारे पास लेंथ एल वन आ जाएगी जो तकरीबन कुछ सेंटीमीटर्स में होगी। इसके अलावा उसके बाद इस की को ओपन कर देते हैं और इस की को क्लोज करते हैं और दोबारा से यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस में निकालते हैं और जोकी को मूव कराते हैं और इस जोकी को इस तरह से मूव कराते हैं कुछ रेजिस्टेंस निकाल के कि दोबारा गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग दे। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है वो भी रीडिंग जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये सारा काम कर लेते हैं तो ई एक्स हमें मालूम होती है,
ई यहाँ पर हमने मालूम करनी होती है, एल वन लेंथ जो आती है और एल टू लेंथ उसे हम लोग यहाँ पर लिख कर जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से कि ई एक्स इंटू एल टू डिवाइडेड बाई एल वन। तो इस तरीके से हमारे पास अननोन बैटरी की ई एम एफ निकल आती है। तो इस तरीके से हम किसी अननोन बैटरी की ई एम एफ निकालने के लिए या किसी सेल के अंदर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेल की, या अगर हमें दो ई एम एफ दी गई हों उनका कंपैरिजन करना हो तब भी हम जो है यही कंसेप्ट पोटेंशियोमीटर वाला इस्तेमाल करते हैं और इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लो रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और किसी सेल की जो है अगर हम लोगों को अननोन ई एम एफ मालूम करनी हो वो भी मालूम करते हैं कर लेते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि हमें जो है सर्किट के अंदर किसी एक सेल की ई एम एफ पता हो। तो इस तरीके से हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए अननोन बैटरी की ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर असल में होता है इस किस्म का है कि इस किस्म का बॉक्स होता है वुड का और उसके ऊपर जो है स्केल सेट किया होता है और वायर को इस तरीके से अटैच किया होता है कि इसकी लेंथ जो है पॉइंट ए और बी के दरमियान 400 सेंटीमीटर पूरी हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में किसी भी सेल की ई एम एफ फाइंड आउट करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अननोन बैटरी की ई एम एफ फाइंड आउट करने के लिए, या अगर दो बैटरीज की ई एम एफ पता है तो उनका कंपैरिजन करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी बहुत रियोस्टेट से मिलती है, रियोस्टेट के बारे में हमने पढ़ा था इसलिए पोटेंशियोमीटर को जो पढ़ना है और समझना है हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। तो उसी को बेस बना के मजीद पोटेंशियोमीटर को आज हम लोगों ने समझा है कि पोटेंशियोमीटर किस तरीके से अपना काम करता है।